नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी और लोकप्रिय डिबेट। आज संसद में बहुत बड़ी घटना हुई है और अगर कभी संसद में वाक युद्ध का इतिहास गिना जाएगा तो आज का दिन इसमें जरूर और जरूर शामिल होगा, क्योंकि आज सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच करीब 3 मिनट का जबरदस्त वाक युद्ध हुआ है, यानी नोकझोंक हुई है। और इस नोकझोंक के दौरान क्या क्या हुआ है इसका संपूर्ण विश्लेषण आज आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि यह 3 मिनट का वाक युद्ध जबरदस्त एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें यहां तक कहा गया डोंट टॉक टू मी। लेकिन आज कांग्रेस को यह जवाब भी देना होगा कि महामहिम किसी दल के होते हैं या फिर देश के, क्योंकि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी अधीर रंजन चौधरी ने बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया, और एक बार नहीं कई बार कहा। और अब वो कह रहे हैं कि मैं बंगाली हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए चूक हो गई। हालांकि राष्ट्रपति शब्द बोलने के लिए हिंदी का विद्वान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ अधीर रंजन ही नहीं, कांग्रेस के एक और बड़े नेता डॉक्टर अजय कुमार ने पहले कहा था कि द्रौपदी मुर्मू भारत की वेरी इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी वो बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं। देश की प्रथम नागरिक के लिए ये कैसी सोच दिखाई है कांग्रेस के आला नेताओं ने। बड़ा सवाल है, क्या महामहिम को लेकर हल्की सियासत जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान फिसली या सियासत सबसे निचली, आज आर पार में मैं ये सवाल पूछता हूं। प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रही, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने उनको इस नाम से बुलाया? क्या राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपत्नी बोलेंगे? क्या हम जेंडर को बीच में लेके आएंगे? क्या यह सामान्य घटना है? आज आर पार में मैं इसकी भी बात करूंगा। और किसने किसको कहा डोंट टॉक टू मी, वो 3 मिनट का जो वाक युद्ध था, जो नोकझोंक थी, उसमें कौन कौन वहां पर मौजूद था, आज उसका पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सियासत के अंदर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। मैंने किसी को खून किया तो मैं फांसी पे चलूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विवादित बयान देते हुए राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माफी मांगो और लोगे, माफी मांगो गरीब से। बार बार तुम्हें से कहने की बंगाली हूँ, बंगाली। हालांकि अधीर रंजन सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ इसलिए हिंदी बोलने में चूक हो गई। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुख से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है मेरा। मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है, लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अधीर रंजन की माफी काफी नहीं, सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। इसी मुद्दे पर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में जबरदस्त नोकझोंक भी हो गई। हंगामे के चलते संसद ठप होने के बाद सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी से कह रही, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? उसी वक्त वहाँ स्मृति ईरानी पहुँच गए और उन्होंने कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है, ऐसे में दम खाए। लेकिन सवाल सिर्फ अधीर रंजन के एक बयान का नहीं, जरा ये पुराने बयान भी सुन लीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी इज आल्सो अ डीसेंट पर्सन बट शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इवल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी
कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जुबान फिसली या सियासत निचली। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के 3 मिनट के वाक युद्ध का विश्लेषण सुनिए। करीब 3 मिनट तक ये नोकझोंक थी, ये जो जुबान के तर्कश थे ये निकले। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में ये नोकझोंक हुई। संसद ठप हुई, सभी नेता बाहर निकले, तब ये नोकझोंक हुई। सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसद रमा देवी से कहा कि मेरा नाम इस पूरे मामले में क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी को, मैं आपको थोड़ी देर ये ग्राफिक्स को होल्ड करते मैं बताता हूं, अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी कहा। इस पर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी ने बोला कि ये देश के आदिवासियों का, गरीबों का मजाक है, देश के हर नागरिक का मजाक उड़ाने के बराबर है, उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। तो उन्होंने बोला कि सोनिया गांधी सदन में मौजूद है, उनको स्पष्टीकरण इस पूरी बात पे देना चाहिए। आमतौर पर जो बड़ा नेता होता है उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अगर नरेंद्र मोदी सदन में बैठे होते हैं तो विपक्ष उनसे भी स्पष्टीकरण मांगता है। लेकिन सोनिया गांधी इस बात में बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने बोला कि क्यों मेरा नाम लिया जा रहा है, उन्होंने रमा देवी से पूछा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, स्मृति ईरानी वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा, मैम मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया है, आप रमा देवी से जो पूछ रही है मैंने आपका नाम लिया है। इस पर सोनिया गांधी ने जो कहा वो कहा, डोंट टॉक टू मी। और निर्मला सीतारमन कह रही है कि उंगली उठाते हुए धमकाने भरे आजाद अंदाज के अंदर सोनिया गांधी और उनके इर्द गिर्द जो सांसद थे उन्होंने स्मृति ईरानी को यह बात कही। लेकिन उसके बाद सुप्रिया सूले और गौरव गोगोई आए जिन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन कांग्रेस का अपना अब आरोप है, कांग्रेस कह रही है कि घेर लिया कई सारे सांसदों ने सोनिया गांधी को, उसके बाद यह पूरा प्रकरण हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बहुत कुछ और हुआ है। इस 3 मिनट के बाद क्या हुआ है और इसके अलावा क्या बड़ा हुआ है, मैं आज आपको आर पार में बताऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, जॉइंस मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत की सदन के लिए, मित्रधारी का खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सोनिया गांधी की स्ट्रांग सपोर्टर मानी जाती है। मेरे साथ इस चर्चा में मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ इस चर्चा में आज खास तौर पर रेणुका चौधरी जुड़ रही है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, और तौसीफ खान है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन राधिका खेड़ा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, स्मृति ईरानी को क्यों कहना पड़ा सोनिया गांधी जी को, डोंट टॉक टू मी? अमीश जी, जहां तक मुझे याद है हम अभी भी उस भारत में रहते हैं